ये मल्टीपल लाइपोमा है आपके बॉडी पे 45-50 के आसपास, बैक पे बहुत सारे हैं, दोनों एक्सट्रीमिटी पे हैं, इधर एब्डोमेन पे देखें तो इस जगह पे भी है, आगे की तरफ चेस्ट पे भी है, इधर भी, इस तरफ, एक बार पीछे घूम जाइए फिर से। सर्जरी करने से पहले सारे लाइपोमा को मार्क कर लिया जाता है, क्योंकि जैसे ही इसमें ट्यूमिसेंट फ्लूइड या एनेस्थेसिया फ्लूइड डालते हैं तो फिर सब छुप जाता है, तो इसीलिए मार्किंग एंड काउंटिंग इम्पॉर्टेंट है। सारे लाइपोमा को हम लोग निकालेंगे, इंडिविजुअल स्टैब वुंड्स बनता है छोटा छोटा, कभी कभी नेगेटिव सक्शन, हाई प्रेशर सक्शन का यूज़ करते हैं, मार्क्स बहुत थोड़ा सा बनता है, और जिस जगह पे बहुत सारे लाइपोमा एक साथ हैं, कुमुलेटेड हैं, तो उनको निकालने के लिए एक ओपनिंग से ही बहुत सारे लाइपोमास आसपास के सारे निकल जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही बैक में हम लोग मार्किंग कर लें एक बार। इसमें दर्द तो नहीं होता है? दर्द हाँ, लाइपोमा की खास बात यह है कि ये पेनलेस होता है, और एक और अच्छी बात यह है कि इससे कोई खराबी नहीं है शरीर को, मतलब एज ए डिजीज कुछ भी नहीं, खराब आप, लगता है, हाँ, दिखने में खराब लगता दिखने में है। खराब लगता कभी कभी नर्व के आसपास कुछ लाइपोमास होते हैं तो वो पेनफुल होता है, और इसकी खराब बात यह है कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि आप कोई दवा कर लें या सब खत्म हो जाए। हाँ, जो है। बड़ा है, जो विजिबल है, पाल्पेबल है, उसको निकाल देते हैं, जो पर्टिकुलर कोई कभी कभी पेनफुल भी हो जाता है नर्व इंट्रैपमेंट के कारण या प्रोड्यूसिंग प्रेशर ऑन नर्व, उस तरह का अगर कोई रहता है तो फिर उसको भी छोटे साइज होते हुए भी उसको निकालते हैं, आईलिड पे, नोज पे बहुत छोटा सा लाइपोमा भी उसको निकालते हैं। अदरवाइज हर लाइपोमा को चुन करके निकालना जरूरी नहीं है, एकदम छोटा सा भी है तो उसको हटा ही दिया जाए। हाँ, जो सब्सटेंशियली लार्जर साइज का है, जो पल्पेट हो रहा है, तो उसको हम लोग निकालते हैं। सर्जरी बड़ी सिंपल सी होती है, लेकिन मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है, बहुत जगह है, तो सभी जगह निशान कोशिश करते हैं कि एकदम ही ना आए, नहीं के बराबर आए, तो कुछ वैसा ही आपके कंडीशन में भी होगा। तो ये लगभग 40, 45, 50 के आसपास लाइपोमास आपके हैं, जो सारे आज हम लोग निकालेंगे। एक बार सामने से दिखा दीजिए, सारे लाइफ हम लोग मार्क कर चुके हैं।